दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजराइल के रक्षा मंत्री की। दोस्त, आपने देखा भी होगा, इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच ख़तरनाक वाला घमासान चल रहा है और ईरान ने इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ कल रात हमले किए और इसमें इजराइल को भारी नुकसान हुआ। इजराइल का कहना है कि जो मिसाइल्स उनके ऊपर दागे गए थे, उनके एरोड्रोम ने उन तमाम मिसाइलों को 90% जो है वो ख़त्म कर दिया। जबकि ईरान का कहना है कि हमने जो मिसाइल दागे हैं वो 90% अपने नए ठिकानों पर लगे हैं, यानी कि उनको जहां पर सेलेक्ट किया गया था, जहां के लिए उनको मुतय्यन किया गया था, उन्होंने उसी जगह पर अपने टारगेट को हिट किया है और जिस काम के लिए हमने ये हमला किया था वो हमें अचीव भी हुआ है। तो देखिए, एक न्यूज़ और सामने आ रही है, वो न्यूज़ ये है कि इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं वो जब हमले की न्यूज़ मिली उनको तो वो ज़मीन के नीचे चले गए थे, यानी कि ऐसी जगह पर छुप गए थे जहाँ पर ये मिसाइल्स वगैरह या फिर जो ये बॉम्ब होते हैं इनका जो अटैक होता है मिसाइलों से तो वो असर नहीं करता उस जगह पर, तो ऐसी जगहों पर ये छिप गए थे। तो जब हमले से पहले ये उसके अंदर छिपे थे, अभी भी वहाँ के अखबार का या वहाँ के न्यूज़ रिपोर्टरों का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है और ना ही उनका किसी तरह का कोई बयान सामने आया है, ना ही कोई उनकी न्यूज़ आई है। तो जिसको देखकर कई तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं और कई और इस बात से ये भी सही साबित हो रहा है कि हो सकता है ईरान जो कह रहा है वो सही हो। आप लोगों को क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।